जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट यार में अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। तो एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी जीडी से शट गए हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उम्मीदें लगाई थी बट जहाँ पर आखिरी उन्होंने बड़ा कट ऑफ एडवांस में ही उठा लिया, मेडिकल से पहले ही उन्होंने मार्क्स बढ़ा दिए हैं। अब आप लोगों को बता दें कि फाइनल जो होगा वो ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेगा। इन्होंने आप लोगों को बता दें कि इन्होंने उल्टा रूल फॉलो किया है। अभी कितना मेरिट जा सकता है लड़के और लड़कियों का, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, और अगली भर्ती कब तक आ सकती है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आपको बता दें कि एसएससी जीडी का मेडिकल के लिए कट ऑफ काफ़ी हाई लेवल का रहा है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताएंगे, उसके बाद फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेशन देंगे, और उसके बाद फिलहाल हमने आपको पहले बताया था कि मेडिकल के लिए 1-2-3 नंबर ही उठेंगे, बट इन्होंने उल्टा किया। जो फाइनल में मार्क्स बढ़ाते थे इन्होंने एडवांस में बता दिए हैं, और अब जो है वो फाइनल में मार्क्स बढ़ेंगे वो बिल्कुल कम ही बढ़ेंगे। अब 2 से 3-4 मार्क्स ही है ऊपर बढ़ने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो है मेडिकल के लिए पहले कट ऑफ लेना था बट इन्होंने बाद में लिया। तो आपको बता दें कि सीसीडी बॉय मेडिकल के लिए कट ऑफ हाई, ईडब्ल्यूएस का 61.61 गया है जनरल का, और EWS बॉर्डर का गया है 61, और बिना बॉर्डर के 64 गया है। SC का 67 और 69 गया है, ST का 52 और 53, OBC का 46 और 51, जनरल का 72 और 77 के बीच में गया है बॉर्डर और बिना बॉर्डर का। लड़कियों की बात करें तो EWS का 51 और 55, SC का 58 59, ST का 33 और 37, OBC का 41 40, जनरल का 61 गया है। ये कट ऑफ जो है ये मेडिकल के लिए गया है। तो आप लोगों को बता दें फाइनल जो रहेगा वो 2 से 3 मार्क्स ही ऊपर बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने एडवांस में 10-10, 15-15 मार्क्स ऊपर उठा लिए हैं। काफ़ी कम बच्चे जो है वो मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं। बाकी आप लोगों को बता दें कि देख सकते हैं जहाँ पर EWS के अब 61 और 3-4 मार्क्स आप लोग ऐड कर लो, उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। 64 गया है नॉर्मल, तो इससे 2-3-4 मार्क्स ऊपर उठेगा, उससे ज़्यादा ऊपर उठने की उम्मीद नहीं है। ये तमाम एनालिसिस के मुताबिक आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तमाम बच्चों को ऑल द बेस्ट, जो अभी भी बचे हुए हैं उन्हें अपनी पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी आप लोगों को बता दें कि न्यू भर्ती कब तक आ सकती है, तो नई भर्ती आपको बता दें IRB की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी कर सकते हैं आप लोग। इंडियन रिजर्व बटालियन जो आ रही है जम्मू कश्मीर में 5000 के आसपास वैकेंसी है, JKP की भर्ती आएगी, क्लास 4th की भर्ती आएगी, और भी नई SSC GD आप लोगों को बता दें कि ये आप लोगों को 2024 में ही देखने को मिल सकती है, उससे पहले बहुत कम चांस हैं 2024 तक। उधर अग्निवीर का भी है, काफ़ी बच्चों ने फिट हुए हैं, नई अग्निवीर के फॉर्म भी आप लोगों के जनवरी महीने में लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बाकी ऑल अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल से बने रहें, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।